हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो जीवित परमेश्वर ने, यीशु पापा ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है। अनंत काल का पिता ने हमें जीवन दिया है। मेरे प्रियजनों, अरे आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, यदि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है मेरे प्रियजनों, यदि आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, गरीबी में जकड़े हुए हैं, यदि आपके घर में लड़ा झगड़ा होता है, मारपीट होता है, दारू शराब के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, पति आपका कहना नहीं मान रहा है, यदि पत्नी आपका कहना नहीं मान रही है, गलत कामों में जकड़ी हुई है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप यीशु मसीह से बोल रहे हो और इस प्रार्थना को सुन रहे हो, पिता परमेश्वर से बोल रहे हो और यीशु नासरी के नाम में डांट रहे उस दुष्ट को, तो मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर की सामर्थ से बंधन टूटेंगे, उस अभिषेक से आप चंगे होंगे, महासामर्थ से आप आजाद होंगे और रिहा होंगे और चंगे होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, क्योंकि वह महान है और जीवित है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने तेरे बोझों को, तेरे गुनाहों को मैंने अपने ऊपर लिया है, बोझ को तेरे उठाया है, पिता ने कहा है। यीशु मसीह का वचन कहता है, अरे बहुत से दबे मानते हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको शांति देगा, विश्राम देगा, एक ऐसी शांति परमेश्वर आपको देगा। ऐसी शांति देता है परमेश्वर, संसार की शांति नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा, क्योंकि वो शांति का दाता परमेश्वर है, आपके मांगने से पहले जानता है। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप संकट में हैं, संकेती में हैं, बीमारी में जूझ रहे हैं, आपका पैसा शैतान खा रहा है, यदि आप अपना पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं, यदि आपका विश्वास है, इस प्रार्थना को सुन रहे हो और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हो उस प्रार्थना को, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, यीशु मसीह आपके बंधन को तोड़ेगा और आजाद हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। यीशु नासरी आजाद करेगा और आप रिहा हो जाओगे, चंगे हो जाओगे यीशु नासरी के नाम में। विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है। जितनी तेजी से वह आती है उतनी तेजी से वह चली जाती है। उसी प्रकार से संदेह करने वाला मनुष्य निश्चय संदेह ही करता रहता है, वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, यही सोचते रहते हैं। हमें संदेह नहीं करना है। यदि आप यीशु मसीह के पास आए हो तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आप रिहा होंगे, आपकी लाइफ स्टाइल को बदलेगा, आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, आप बदलोगे, आपका घराना बदलेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, उसने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पर में किले ठोके गए, मुंह पर थूका गया, सिर के ऊपर काटो का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियजनों, उसको सिरका पिलाया गया, उसके पसले में भाला भोंका गया, क्यों? सिर्फ हम सभी के खातिर। उसने हम सभी से प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। उसका प्रेम बहुत ही बड़ा है, उसके जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु ने प्रेम किया है, उसने अपनी जान देके साबित करके दिखा दिया है कि उसने हम सभी से कितना प्रेम किया है। आप धन्य हो जो आप परमेश्वर को जानते हो, आप यीशु मसीह को जानते हो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी को आजाद किया है, जो सजा सही मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सज्जा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। हमारा परमेश्वर, उसके मुंह पर थूक हुआ गया, केले ठोकी गई, काटो का ताश बनाया गया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, सिरका पिलाया गया, सिर्फ किसके खातिर? सिर्फ हम सभी के खातिर, हम सभी के खातिर।
जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी वो सजा यीशु मसीह ने लिया, परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि उसका प्रेम बहुत ही बड़ा है। आपके रिश्तेदार, घर फिर के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, मगर ये ख्याल अपने दिलों दिमाग से निकाल देना, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपसे एक आंख की पुतली की तरह चाहता है, आपको छिपा के रखता है। यीशु पिता ने कहा है, जो तुझे छूता है, जो तुम्हें छूता है, वो तुम्हें नहीं मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियजन, परमेश्वर ने आपको एक आंख की पुतली ठहराया है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, पिता हम सभी से प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन पर चले। मेरे प्रियजनों, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है और लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। तो चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा है मेरे पिता, इसके लिए मेरे प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है मेरे परमेश्वर, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता परमेश्वर। पिता जो आपने हम सभी को माता के गर्भ से चुना है मेरे परमेश्वर, आपने कहा है मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपको जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, जो इस वक्त इस प्रार्थना को अपने मोबाइल पर पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें पिता परमेश्वर, जो अपने टूटे मन को, अपने टूटे दिल को आपके साथ बैठे, आपके आगे बैठे घुटने टेक के मेरे परमेश्वर, जो आमीन बोलकर रिसीव करें पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिनके कैंसर है, ट्यूमर है, गिल्टिया रसोलिया पथरिया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, इलाज करवाया, नहीं ठीक हुए हैं, मेरे परमेश्वर आप उम्मीद का तारा हैं इनका। मेरे परमेश्वर मैं चंगा की घोषणा करता हूँ, ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए, आजादी को रसीब कर बोलकर आमीन, आजादी को रसीब कर बोलकर आमीन। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं मेरे परमेश्वर, जो गरीबी में जकड़े हैं मेरे परमेश्वर, जो मांग रहे हैं पिता, ये सबको छोड़ छाड़ के आपके पीछे मेरे पिता, आप इनकी गरीबी को, आप इनकी तंगी को, आप इनकी परेशानी को आप दूर करें मेरे परमेश्वर, आप दूर करने वाले परमेश्वर पिता, आप इनके जीवन को बचाइए, आप इन्हें आजाद कीजिए, आप इन्हें छुड़ाइए सुरजा, आप इन्हें छुड़ाइए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, ऐसे इसके दरवाजे मेरे प्रियजनों। मेरे पिता मैं मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, इनकी गरीबी, इनकी तंगी परेशानी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, दूर हो जाए, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, ये मांगने वाले नहीं मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले हो जाए, इनके हाथ देने वाले हो जाए, इनके हाथ देने वाले हो जाए, सुनासिर के नाम में मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन घर में लड़ा झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में लड़ा झगड़ा होता है पिता परमेश्वर, नहीं बनते मेरे परमेश्वर, वो लड़ा झगड़े जो गंदी आत्माएं लेकर आती हैं मेरे परमेश्वर में डांटता हूँ गंदी आत्माओं को, ये लोग आजाद हो जाएं, हर एक लड़ा झगड़े की गंदी आत्मा इनके घरों से, इनके जीवन से निकल जाए और ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, रिहा हो जाए, चंगे हो जाएं सुनासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी छुएं और आजाद करें मेरे परमेश्वर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो पिता नौकरी की तलाश में है, काम की तलाश में, इन्हें नौकरियाँ नहीं मिली मेरे परमेश्वर, इन्हें नौकरियाँ दीजिए, इन्हें बिजनेस दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये अपना पेट भर सके, इन्हें कपड़े दीजिए, पहनने के लिए कपड़े दीजिए, खाने के लिए भोजन दीजिए मेरे पिता, आप इन्हें आशीष दीजिए, ये फलवंत होने पाए सुनासरी के नाम में मेरे पिता। आप इनके मन की बातों को जानते हैं, आप इनकी इच्छाओं की बातों को जानते हैं मेरे पिता, आप इन्हें दीजिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मेरे पिता आप जानते हैं यीशु पापा, आप इन्हें दीजिए, आप इन्हें दीजिए सुनासिर के नाम में, आप देने वाले परमेश्वर हैं, आप दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो मसीह भाई रात में नहीं सोते, इन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते, ख्याल आता है, विचार आते, शैतान डराता है परमेश्वर सपने के जरिए पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब
जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे पिता, मुझे आशा विश्वास है पिता आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मीठे और पावन नाम में मांग लेते हैं, सुनिएगा और कबूल करिएगा। आमीन।